हाँ तो दोस्तों, एक नया वीडियो मैं आप सभी के लेके आ चुका हूँ। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, तो आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर करना जल्दी से आप यहाँ पे अप्लाई कर लेना। तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं दो अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें आप यहाँ पे इंटर्नशिप्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं। तो मेक श्योर करना आप यहाँ पे अप्लाई करना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर करना चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी वीडियोज लेके आते रहूँ। उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन पे प्रेस कर देना, और अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे आप सभी के लिए वीडियो बनाते रहने के लिए और मैक्सिमम लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। उसके साथ ही साथ अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड हैकाथॉन में वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपने EY के रिलेटेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के वीडियो को नहीं देखा, जिसमें आपको यहाँ पे ₹1 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो जल्दी जाइए वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखिए और उस वीडियो में अप्लाई कीजिए बेसिकली। तो चलते वीडियो को शुरू करते बिना देर किए हुए यहाँ पे। और उससे पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर करना ज्वाइन करना, जहाँ पे मैं वेरियस इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटी को शेयर करते रहता हूँ। तो यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले अपडेट की वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। मैं बात करने वाला हूँ जसपे की हायरिंग चैलेंजेस की। तो जसपे बेसिकली यहाँ पे हायरिंग चैलेंजेस निकाले, जहाँ पे यहाँ पे आपको यहाँ पे इंटर्नशिप साथ ही साथ यहाँ पे फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो स्टाइपेंड आपको मिलने वाली है वो है 40,000 स्टाइपेंड मिलने वाली है। तो इस बात कर लेते हैं, यहाँ पे 3 डेज लेफ्ट है बेसिकली, तो मेक श्योर करना आप यहाँ पे जल्दी अप्लाई कर देना। और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी की भी बात करूंगा जिसमें 1 दिन भी बचे हैं, और इसके लिए सिर्फ आपको आइडिया को यहाँ पे प्रेजेंट करना है बस। तो जो भी आइडिया रहेगा आपको यहाँ पे डालना है, तो मेक श्योर करना जल्द से जल्द अप्लाई कर लेना। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे कैसे होने वाला प्रोसेस, सारी चीज़ें आप देख लेते हैं यहाँ पे। तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और जो भी अंडर ग्रेजुएट है वो सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, 25 दिसंबर जो है बेसिकली लास्ट डेट होगा यहाँ पे सारी प्रोसेस तक। तो बेसिकली यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रीलिम फर्स्ट राउंड जो बेसिकली होने वाला है वो होने वाला है MCQ चैलेंज। बेसिकली द पार्टिसिपेंट्स विल हैव टू द आंसर 30 क्वेश्चंस इन द 25 मिनट्स। यू विल सी अ वेरीफाई प्ले बटन इन दिस सेक्शन इफ यू रजिस्टर एंड आर एक्सेसिंग द टेस्ट। सो देख सकते हैं आप, एक बार आपने रजिस्टर कर लिया तो 25 नवंबर को बेसिकली टेस्ट होने वाला है ऑनलाइन असेसमेंट। आपने अगर रजिस्टर किया उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट एक कोडिंग चैलेंजेस होने वाली जो 27 नवंबर और 28 नवंबर के बीच होने वाली है। उसके बाद आपको यहाँ पर रिज्यूम को सबमिट करना होगा। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड, तो बेसिकली यहाँ पे कोडिंग डाउन के बेसिस पे आपको रिज्यूम के शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सबमिट एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर द फर्दर प्रोसेस। दिस स्टेप इज मस्ट एंड विल हैपन फॉर ऑल द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बिफोर द फाइनल प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पे आपने ये सबमिट कर दिया 30 नवंबर से 2 नवंबर तक। उसके बाद यहाँ पे होने वाले 2 दिन का हैकथॉन। तो शॉर्टलिस्टेड पार्टिसिपेंट्स विल देन टेक पार्ट इन द 2 डेज हैकथॉन। फॉर डिटेल फॉर दिस राउंड विल बी शेयर ओनली विद द स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्टेड। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी। जसपे थिंक बिग विद अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज ओपन टू ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट परस्यूइंग देयर फाइनल ईयर बीटेक बीई दैट इज 2020। जो भी पास आउट है वो सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होगी, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। उसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस दिए हुए हैं जिनको आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा। चैलेंजेस ओपन टू इंजीनियरिंग स्टूडेंट परसिंग दर फाइनल ईयर, तो 2022 के जो पास आउट है वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। द पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स कैन बी फ्रॉम एनी स्पेशलाइजेशन डोमेन, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। मॉडिफिकेशन ऑफ डिटेल्स पोस्ट रजिस्ट्रेशन क्लोजर विल नॉट बी अलाउड। उसके साथ ही साथ एनी डिविएशन फ्रॉम दैट अबव रिजल्ट विल रिजल्ट इन इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल। और स्टेजेस की बात कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट जैसे मैंने बात की, यहाँ पे फर्स्ट राउंड होने वाले MCQ। एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स आफ्टर रजिस्टरिंग फॉर द चैलेंज विल अंडरगो एन MCQ चैलेंज। तो जो भी आपने एक बार रजिस्टर कर दिया एलिजिबिलिटी हो अगर है आपकी, तो उसके बाद आपने एक बार रजिस्टर कर दिया तो आपको यहाँ पे 30 MCQ टेस्ट मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आपको यहाँ पे 25 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। यू कैन टेक द टेस्ट विद इन द 12 आवर्स ऑफ द ओपनिंग द क्विज विंडो। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट होने वाले जो कोडिंग चैलेंज यहाँ पे, जिसमें असेसमेंट विल बी ऑफ 90 मिनट टू बी टेकन इन 1 सिटिंग। एवेल्युएशन क्राइटेरिया वुड इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू द टेस्ट स्कोर, टाइम टेकन टू कंप्लीट द टेस्ट एंड द क्वालिटी ऑफ योर कोड रेज्यूम एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे 2 डेज के हैकथॉन होने वाले। शॉर्टलिस्टेड पार्टिसिपेंट्स विल देन टेक पार्ट इन 2 डेज हैकथॉन।
डिटेल इन द राउंड विल बी शेयर फॉर द शॉर्टलिस्टेड पार्टिसिपेंट्स ओनली। अब प्राइस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी हायर फॉर द फुल टाइम इंटर्न्स विद द 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के लिए यहाँ पे जस्पे की इंटर्नशिप्स होगी और इसकी जो इंटर्नशिप्स की जो ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड हो सकती है 8 से 12 मंथ्स and will be converted to full time completely on the basis of the performance। तो मतलब ये आपको यहाँ पे PPO मिल सकता है। इंटर्नशिप की जो स्टाइपेंड होने वाली है वो 40K पर मंथ होने वाली है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे फुल टाइम ऑफर्ड कैंडिडेट विल बी कम्पेंसेशन विद 13 to 15 lakhs पर एनम। LPA की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे PPO मिलने वाला है आपको और उसके साथ ही साथ 13 से 15 lakh LPA की बात कर लेते हैं यहाँ पे, उसके साथ ही साथ यहाँ पे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो मेक श्योर करना, अप्लाई कर लेना जो भी एलिजिबल हो, और अगर नहीं एलिजिबल हो तो वीडियो को शेयर कर देना जल्दी से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे बेसिकली रेगन की तरफ से, बेसिकली कोटक बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अपॉर्चुनिटी निकाली गई, एक दिन बचे हुए हैं। तो मेक श्योर करना, सिर्फ आइडिया यहाँ पे सबमिट करना है आपको। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी इंजीनियरिंग और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइडिया सबमिशन राउंड होने वाला है और टीम्स नीड टू सबमिट अ पिच डेक विद अ मैक्सिमम ऑफ 5 slides अलॉन्ग विद अ 2 minute आइडिया पिच वीडियो बाय फोकसिंग ऑन एनी वन ऑफ द 5 available tracks। उसके साथ ही साथ यहाँ पे वर्चुअल ग्रैंड फिनाले, टॉप टीम्स विद द बेस्ट आइडिया विल बी शॉर्टलिस्टेड। दिस टीम्स विल मीट द जूरी, डिफाइन द सबमिशन एंड शेयर द डिटेल्स ऑन हाउ द सबमिशन हैज कंसेप्चुअलाइज, हाउ इट वुड वर्क एंड द प्रॉब्लम्स दैट इट वुड सॉल्व। तो बेसिकली आपको यहाँ पे PPT प्रेजेंट करना है 5 मिनट 5 slides का और 2 मिनट का उसका वीडियो पिच जिस आइडिया पे आपकी बेसिकली प्रेजेंटेशन है, ताकि और आप कौन से प्रॉब्लम्स को बेसिकली आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो 3rd or 4th year में हो अगर आप, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो भी ड्यूअल डिग्री भी कर रहे हैं वो सारे लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उन लोग बेसिकली 4th or 5th year में होने चाहिए। स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन अ टीम ऑफ अप टू 3 members। स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस कैन ऑल्सो फॉर्म अ टीम। अ स्टूडेंट कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 team। ऑल द टीम मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई एंड कन्फर्म द डिटेल्स टू फॉर्म अ टीम। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो मेक श्योर करना, चेकआउट कर लेना। और हैकथॉन की जो ट्रैक्स है और थीम्स है वो इस पे बेसिकली बेसिस हैं, डिजिटल बैंकिंग, इंस्टा सर्विसेज, कोटक एच 811 एंड कोटक चेरी। तो ये सारी थीम्स हैं, तो मेक श्योर करना एक बार चेकआउट कर लेना यहाँ पे कि आप कौन से थीम्स में यहाँ पे बेसिकली आइडिया जो भी है उस पे वर्कआउट करोगे और उसमें प्रेजेंटेशन में अपनी आइडियाज़ को शो करोगे। तो ये बेसिकली 5 tag होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हैकथॉन की यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पिच टैग विद मैक्सिमम 5 slides। तो यहाँ पे क्या क्या यूज़ करना है, प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया, ओवरव्यू हो गया, प्रोसेस फ्लो, टेक स्टैक, डेवलपर टूल्स, और उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टू व्यू, डाउनलोड, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। और उसके साथ ही साथ 2 मिनट की MVP मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो होती है उसकी पिच बनानी है बेसिकली एक। तो और MVP 4 फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो मेक श्योर करना आप लाइक कर लेना। पार्टिसिपेंट्स विल बी जज ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फीजिबिलिटी। तो ये सारी चीज़ों पे जो भी चीज़ें हैं उनको जज किया जाएगा, जो भी आइडियाज़ हैं उनको जज किया जाएगा। ग्रैंड फिनाले राउंड जो होगा वो 10th December को होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो भी इसमें सक्सीड होते हैं तो उनको यहाँ पे 1 lakh rupees की मिलने वाली, जो फर्स्ट प्राइज़ होगा, सेकंड प्राइज़ को यहाँ पे फर्स्ट रनर अप 50K और सेकंड रनर अप को 25K मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली, मेक श्योर करना अप्लाई कर देना। लेट पता हुआ तो इसलिए वीडियो लेट आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे वीडियो, ऐसी वीडियोस और चाहते हो अपॉर्चुनिटीज़ के रिलेटेड, तो मेक श्योर करना जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। उसके साथ ही साथ अगर EY स्कॉलरशिप और माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड हैकथॉन में पार्टिसिपेट ने रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट किए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।